नमस्कार दोस्तों, घरों में दफ्तरों में हम एलईडी की रोशनी में घंटों गुजार देते हैं। क्या आपको मालूम है कि इसकी रोशनी से आंखों पर क्या असर पड़ता है? एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि ज़्यादा देर एलईडी की लाइट्स में बैठने से आंखें खराब हो जाती हैं। फ्रांस की सरकारी स्वास्थ्य निगरानी संस्थान ने चेतावनी जारी करते हुए एलईडी लाइट की नीली रोशनी से आंखों की रेटिना को नुकसान हो सकता है और प्राकृतिक रूप से सोने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। क्यों नुकसानदेह हैं एलईडी? दरअसल एलईडी से 7 रंग की लाइट निकलती है। इसमें लाल और हरे रंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। इससे फोटोन की एनर्जी कम निकलती है, वहीं नीली रोशनी वाली एलईडी की वेवलेंथ सबसे कम होती है। इस वजह से फोटोन की एनर्जी ज़्यादा निकलती है। यही हमारी आंखों की रेटिना में कोशिकाओं को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एंसस की रिपोर्ट में कहा गया है कि शक्तिशाली एलईडी की रोशनी फोटोटॉक्सिक होती है, जो आंखों की तीक्ष्णता को भी कम कर सकती है। अधिकतम सीमा को संशोधित करने की ज़रूरत। एजेंसी ने 400 पन्नों की एक रिपोर्ट में सिफारिश की है कि भले ही ऐसे स्तर घर या कार्यस्थल के वातावरण में शायद ही कभी मिले हों, फिर भी तीव्र जोखिम के लिए अधिकतम सीमा को संशोधित किया जाना चाहिए। एलईडी लाइट्स के नुकसान पर स्टडी की ज़रूरत। रिपोर्ट की माने तो दुनिया भर में एलईडी लाइट्स का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा है। ऑफिस, घर और पब्लिक प्लेसेस में एलईडी का खूब इस्तेमाल बढ़ा है। एलईडी लाइट्स एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, यानी इसके इस्तेमाल से बिजली की खपत कम होती है। लेकिन एलईडी लाइट्स से पुराने ज़माने के पीले बल्बों की तुलना में ज़्यादा नीली रोशनी निकलती है। आई स्पेशलिस्ट की माने तो एलईडी लाइट से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों की रेटिना के सेल्स को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि कितनी देर तक इस रोशनी में रहने से नुकसान हो सकता है और कितनी इंटेंसिटी की रोशनी से नुकसान हो सकता है, इन दोनों बातों की जांच के लिए बड़े पैमाने पर क्लिनिकल स्टडी करवाने की ज़रूरत है। बिताते हैं 10 से 12 घंटे। हम हर दिन औसतन 10 से 12 घंटे आर्टिफिशियल लाइट में बिताते हैं। ऐसे में जब सरकार और इंडस्ट्री दोनों एलईडी लाइट्स के इस्तेमाल पर जोर दे रहे हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि एलईडी लाइट्स फोटोबायोलॉजिकल सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से बने। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर आए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करें। धन्यवाद।